शिक्षा के मंदिर में जहां पर विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाया जाता है, शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, उस शिक्षा के मंदिर में एक प्रिंसिपल स्कूल की शिक्षिका पर अपनी गंदी निगाह डाले बैठा हुआ है। कार्यवाहक प्रिंसिपल जगदीश मेघवाल लंबे समय से महिला शिक्षिका को परेशान कर रहा था। जब प्रिंसिपल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पीड़ित शिक्षिका ने थाने में मामला दर्ज करवाया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है बूंदी जिले का, जहां राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लोक में कार्यरत एक शिक्षिका ने आरोपी कार्यवाहक प्रिंसिपल जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मुझे वहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मेघवाल हैं, वो कई सालों से मुझे परेशान कर रहे हैं। जब जब भी वो पद पर आते हैं, वो मुझे है ना शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करके, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, विभागीय कार्रवाई करके, और मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। जैसे ही उनको CCTV कैमरों से वो मुझ पर नज़र रखते हैं पूरी तरीके से, और जो भी मेरे साथ बैठता है या उठता है उसको वो धमकी देते हैं कि इसके साथ मत बैठो, ये लेडी सही नहीं है, और मुझे अकेला पाकर मुझे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं और विभागीय कार्रवाई करते हैं, ताकि ये ना कोई मेरे साथ बैठे नहीं, और मेरे साथ बैठने वालों के साथ भी विभागीय कार्रवाई की जाती है। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ, अभी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, और उन्होंने स्टाफ मीटिंग में भी मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ किया कि मैंने कौन सा तुम्हारा ब्लाउज फाड़ा, इस तरह के अपमानजनक शब्द मुझसे बोले गए एक महिला के मतलब प्रति। इस तरह से बिल्कुल कार्रवाई, उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से मुझे इतने सालों से मानसिक प्रताड़ित कर रखा, मैंने विभाग में भी दिया तो विभाग वालों ने भी लीपापोती करके उनको बचा लिया और कोई कार्रवाई नहीं करी, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि विभाग वाले कार्रवाई, धारा 3 में भी फंसाने के लिए उन्होंने विभाग में दिया मेरे खिलाफ, और एक और मैडम थी जो मेरे साथ बैठती थी उनके खिलाफ, लेकिन उसमें भी है ना ये क्या कहते हैं, इसी तरह से धारा 3 की धमकी देकर सबको फंसाने की भी धमकी देते हैं, और मुझे खास तौर से बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें फंसा दूंगा, तुम क्या कर लोगे। बार तो वहाँ बुलाते हैं कार्यालय में किसी ना किसी काम के बहाने, और मेरे पास कभी आते हैं, परीक्षा प्रभारी बना रखा है मुझे, तो काम के दौरान मेरे पास आते हैं और मुझसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं और मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश कर, मेरे साथ बैठो, तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊँ, मेरे घर पर आ जाओ गाड़ी लेके, और मैं तुम्हें सैलरी बिल बनाना सिखाता हूँ, मेरे साथ कंप्यूटर पे बैठो। तो ये सब बातें मुझसे ही की जाती हैं और किसी से क्यों नहीं की जाती, कुल कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। शिक्षिका ने इस पूरे मामले में कार्यवाहक प्रिंसिपल के खिलाफ तालेड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बल्लोक में एक शिक्षिका थी जो अभी सुहा साहब उनकी पोस्टिंग है, उनको ट्रांसफर कर रखा है। उन्होंने बल्लोक के संस्था प्रधान जगदीश मेघवाल के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दी थी, इस पर मुकदमा दर्ज करके और जांच शुरू कर दी। कौन कौन सी धारा में? 354 IPC मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट।